एकता कपूर के सास बहू वाले टीवी सीरियल को देख देख कर इस देश की न जाने कितनी ही औरतें बर्बाद हो चुकी है। मैं हर घर के औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ईमानदारी से घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं और घर में शांति की व्यवस्था भी स्थापित करके रखती है। लेकिन बहुत सारी औरतों का ये हाल है जो जॉब पे भी नहीं जाती हैं और उन्हें घर का काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर में कैसे झगड़ा करना है सास के साथ, ननद के साथ, देवरों के साथ या अपने खुद के पति के साथ, या फिर झगड़े के नए नए तरीके कैसे खोजे जाते हैं। जैसे एकता कपूर के सीरियल में जब कुछ प्लानिंग चल रही होती है, जो वैम्पायर वैम्प औरतें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो ये जो औरतें होती हैं तो उनके पीछे म्यूजिक बजता है ना दिन तक, तो यही वाला म्यूजिक रियल लाइफ में भी बहुत सारे घरों में बज जाता है जब औरतें तांडव करना शुरू करती हैं, तो फिर जिंदगी हो जाती है सत्यानाश। तो एकता कपूर ने इस देश की महिलाओं का सत्यानाश कर दिया है, कई घरों को बर्बाद कर दिया है। अब बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो भैया अपनी क्रिएटिविटी है। उसके बाद एकता कपूर ने औरतों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही देश के कई लोगों को बर्बाद कर दिया। वेब सीरीज बनाकर गंदी बात जैसी, सेना का भी अपमान कर दिया और हैरानी की बात यह होती है कि हमारी भारत सरकार उन्हें यानी एकता कपूर को पद्मश्री से भी सम्मानित कर देती है। तो यह अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। अब एकता कपूर की एक फिल्म आई है थैंक यू फॉर कमिंग, ये फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। सेक्स के आधार पर बनाई गई ये फिल्म है, सारी सेक्सुअल बातें ही है इसमें। एक औरत है जिसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो अलग अलग मर्दों को ट्राई करती है लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, ऐसी घिसी पिटी कहानी है। मतलब आप सोच लीजिए कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही वाला तरीका एकता कपूर की इस फिल्म में दिखाया गया है और एकता कपूर को लेकर लोग बड़े ही नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि नाराजगी का एकता कपूर को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो इस तरह के कॉन्टेंट वो बनाती नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने देश का सत्यानाश कर दिया। कहती है कि मैं एडल्ट हूं और एडल्ट फिल्में बनाना मेरा धर्म है, मैं इसी तरह के कॉन्टेंट बनाऊंगी। लोगों ने कहा कि तुम जैसे लोगों के चलते, यानी कि करण जौहर और एकता कपूर के चलते, इस देश के घरों में न जाने कितने ही तलाक होने लगे। तो बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक समय था मुकेश खन्ना भी एकता कपूर के ऊपर बहुत भड़के हुए थे कि तुमने देश का सत्यानाश कर दिया है, कोर्ट भी भड़का हुआ था। लेकिन हर कोई भड़कता है लेकिन रिजल्ट निकलकर कुछ भी आता नहीं है। इन जैसे लोगों के ऊपर ना पुलिस कुछ कर पाती है, ना कोर्ट कर पाती है, ना ही कोई कुछ कर पाता है। तो ये हाल है हमारे देश का और ऐसे लोगों को पद्मश्री दे दिया जाता है।